शुजालपुर के अरनिया कला बिजली विभाग में सुपरवाइजर दुर्गेश द्वारा एक पत्रकार को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के मामले में पत्रकारों में आक्रोश है। इसे लेकर यूनाइटेड प्रेस क्लब शुजालपुर इकाई के पत्रकार कार्यपालन यंत्री के कार्यालय पहुंचे। यहां पर पत्रकारों ने कहा कि दुर्गेश पत्रकारों से माफी मांगे और वरिष्ठ अधिकारी दुर्गेश पर उचित कार्रवाई करें। पत्रकारों ने सुपरवाइजर द्वारा फोन पर की गई अभद्रता और धमकी की ऑडियो क्लिप भी संभाग अधिकारी को दी है। दरअसल दो दिन पहले हवा और तूफान आने के कारण गांव की बिजली खराब हो गई थी, जिसकी सूचना पत्रकार ने दुर्गेश सुपरवाइजर को दी थी, जिस पर दुर्गेश ने पत्रकार से फोन पर अभद्रता की और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मक्सी से मंगल सिंह कालमा की रिपोर्ट। ये जो आपने बताया कि जो कंस्टेंटरी महोदय वहाँ पर जो पदस्थ हैं अभी दुर्गेश जी, वो आपके द्वारा फोन पे यही उनके द्वारा बताया गया जो आपके द्वारा वो मेरे को आईडियो सुनाई गई कि उनके द्वारा अभद्रता की गई है। वीडियो के दौरान यही सामने आया है कि उसमें जो है आपके द्वारा कोई पहले पूर्व में कोई मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ है तो उसका थोड़ा सा डाउट था, तो अपन ने मैं उनसे चर्चा करके उनको समझाइश दे दी जाएगी, है ना। और अगर कुछ दोषी होगा तो अपन जांच के उपरांत कार्रवाई करें। सर, पत्रकार के द्वारा पहली बार ही उनसे बात की गई थी, इससे पहले कोई किसी प्रकार का कॉल नहीं किया गया था। फर्स्ट कॉल में इस तरह की बात की सर ने?